रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमान स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। संपर्क नंबर है 8102341871। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 17 जनवरी 2021 दिन रविवार को टाउन हॉल गढ़वा के मैदान में गढ़वा विकलांग संघ के केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें दिव्यांगों की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा सहित महेंद्र, नईमुद्दीन अंसारी, अलियार अंसारी, मस्तफार अंसारी, मुजाहिद अंसारी, पिंटू राम, विनोद राम, चंदीप रवि, लव शर्मा, मुन्ना चंद्रवंशी उपस्थित थे। मैं गढ़वा का विकलांग संघ प्रखंड अध्यक्ष। हमारे यहाँ विकलांग लोग का बहुत समस्या होती है, जिसमें विकलांग लोग का सही समय पे पेंशन नहीं भुगतान किया जाता है, और हम लोग हर एक जगह जाते हैं राशन कार्ड चाहे कुछ हम लोग बनवाने के लिए, तो हम लोग के दर दर जो ठोकर लगा के हम लोग के हटा दिया जाता है। हम लोग के नाम से देखिए, विकलांग लोग के हम लोग के कोई कॉलोनी या इंदिरा आवास या शौचालय हम लोग के लिए अभी तक ले नहीं मिल पाया है। तो हम लोग के ये अपील है कि हम लोग एक तो शुरू से हम लोग विकलांग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के पास हम लोग अफसर लोग हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग अफसर लोग के हम लोग अनिंदा मानते हैं, कहते ये करो करो, तो हम लोग उतना हम लोग कहाँ से हम लोग कर पाते हैं। तो इस हम लोग के सरकार के अनुरोध है कि हम लोग को कम से कम जो हम लोग का जो आरक्षण है, चाहे जो भी हम लोग के यहाँ फंड है, चाहे कॉलोनी हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे विकलांग जो पेंशन हो, तो विकलांग पेंशन से 1000 रुपये हम लोग से रोजी रोटी उतना नहीं चल पाती है। तो सरकार से हमको यही कहना है कि कम से कम 1000 से लेकर कम से कम 5000 तक हम लोग पेंशन मिलना चाहिए, और जो हम लोग के जो हक अधिकार है हम लोग के पूरा हक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक ना। मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार चंद्रवंशी, कचहरी रोड मंगल भवन। और दूसरी बात है कि मैं कचहरी मंगल भवन के पास में अपना दुकान लगाया था, ये मैंने थोड़ा बहुत ये कुरकुरे करके, तो कल के मैं बता रहा हूँ कि मैं गढ़वा के जो सीओ साहब हैं मेरा घुमटी हटा चुके, तो मैंने सीओ साहब से बात किया कि सर हम विकलांग आदमी हैं, कहाँ से हम लोग जिए खाएंगे, तो बोले कि नहीं सबके घुमटी हटाना ही पड़ेगा। तो हम लोग वही बोले कि सर आप हमको रोज़गार दीजिए, तो नहीं रोड से तुम बाहर चले जाओ। तो सर इसी के चलते मैं अपना घुमटी में हटा से हटा दिया। मैं गढ़वा विकलांग संघ के केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा, आज दिनांक 17/1/2021 दिन रविवार को गढ़वा टाउन हॉल में दिव्यांगों के बीच बैठक रखा गया है, जिसमें दिव्यांगों को अविलंब, पहला मांग अविलंब पेंशन भुगतान कराया जाए, दूसरा मांग दिव्यांगों को अविलंब राशन कार्ड बनाया जाए, तीसरा मांग दिव्यांगों को आवास उपलब्ध कराया जाए, दिव्यांगों को प्रत्येक दिव्यांगों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगी, ताकि वह जीविकोपार्जन अपना कर अपना बाल बच्चन के भरण पोषण कर सके, पांचवा मांग दिव्यांगों को शौचालय उपलब्ध कराया जाए, छठा मांग दिव्यांगों को 1000 पेंशन से 3000 रुपया पेंशन कराया जाए, दिव्यांगों को मुफ्त बिजली पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि दिव्यांग अपना बच्चा परिवार को अच्छा से रह सके और अपने भी रह सके। अभी मेरा समस्या है जो कि मुझे घर वाले हमको पानी नहीं देते हैं, जिसमें काफ़ी हमको परेशानी होती है। मैं कई बार थाना में गया, कई बार अनुमंडल में गया, कई बार SDO साहब के अरे DC साहब के पास गए, अंचल अधिकारी के पास गए, मगर अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2017 से ही हम दौड़ रहे हैं, परेशान हैं हम, मगर अभी तक मेरा कोई निदान और न कोई हल निकला। हम लोग विकलांग आदमी ब्लॉक, अनुमंडल, अंचल और ज़िला का चक्कर लगाते लगाते हम लोग थक चुके हुए हैं, इसलिए हम लोग को सरकार से अनुरोध है कि पानी, बिजली और ये सब हम लोग का मांग के पूरा किया जाए। आप लोग वृद्धा पेंशन खातिर नहीं मिला है, सब भर दिए फार्म, सब भर दिए हैं, बाकी 500 मुखिया जी लिए हैं। कहाँ के मुखिया हैं? वही मेराल के हैं। क्या नाम है? देवी सर। 500 रुपये क्यों लिए हैं वो? वृद्धा पेंशन करा देंगे, साल भर बेसी हो गया, अभी तक नहीं कराया। नहीं मिल रहा है। आप मुखिया जी से बात बोले हैं? हाँ बोले हैं, तो कह रहे कि नहीं आएगा आएगा। और कहीं बात बोले ना? अब कहीं ना बात बोले हैं। मैं
अपने राव थाना की बात बोले ही? नहीं नहीं कहीं नहीं बोले हैं, कहीं नहीं, खाली मुखिया जी के बात। हाँ बस मुखिया जी के। आपका नाम? अनीता कुमार। घर कहाँ है? मेराल। मेराल में कहाँ पर? मैं पोखरा पास रेलवे स्टेशन के सामने। बोलिए सर। मैं रंकान मंडलीय दिव्यांग संघ के कोषा अध्यक्ष हूँ। मैं आँख से दिव्यांग हूँ और ऐसे मैं रंका अनुमंडलीय के जितना बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं जो अभी तक उनको पेंशन स्वीकृत नहीं हुआ है, वहाँ ब्लॉक में और अनुमंडल में ये पत्र देते हुए हम लोग थक चुके हैं और कुछ काम नहीं होता है। राशन कार्ड भी नहीं वहाँ पर दिव्यांगों को सही तरीक़ा से दिया जाता है न बनाया जाता है, और आवास के संबंध में भी बातचीत हम लोग के हुआ था लेकिन आवास अभी तक नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं उपलब्ध कराया गया है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि रंका गढ़वा डीसी से कि अविलंब ही सभी दिव्यांगों को रंका प्रखंड के सभी दिव्यांगों को आवास राशन कार्ड और पेंशन सही समय पर अविलंब जल्दी ही कार्रवाई करके उसको कराया जाए। मेरा नाम मुजाहिद अंसारी है सर। मैं रंका अनुमंडली दिव्यांग संघ के कोषा अध्यक्ष हूँ। घर मेरा मानपुर है। आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।